यानी एकादशी से ही चतुर्मास व्रत शुरू होता है, तो आइए जानते हैं उसका महत्व। चतुर्मास व्रत भी इसी एकादशी व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले कि भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सो सब कृपा पूर्वक कही। श्री कृष्ण बोले कि राजन, अब मैं विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हो, तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण की तुला राशि में आने पर उनको उठाना चाहिए। लौंद माह के आने पर भी विधि इसी प्रकार रहती है। इस विधि से अन्य देवताओं को शयन ना कराना चाहिए। श्राद्ध मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी चाहिए और चतुर्मास व्रत नियम से करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान कराना चाहिए, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकिया आदि शैया पर शयन कराना चाहिए। उनको धूप दीप नवेद से पूजन कराना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञाता ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु को इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए कि हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है, आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है प्रभु। इस तरह विष्णु भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, आप जब 4 मास तक शयन करें, तब तक मेरे चतुर्मास व्रत को निर्विघ्न रखें। इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियम को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देव शयनी काशी से लेकर देव उठने काशी तक चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी पूर्णमासी अष्टमी और संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त करना चाहिए। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रतिवर्ष करते हैं, वे सूर्य के समान दीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसके पृथक पृथक फल सुने। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है, उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही दूध घी शहद और मिश्री द्वारा स्नान कराता है, वे वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि स्वर्ण दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है, वह स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाता है, धूप दीप नवेद आदि से भगवान की पूजा करता है, वह इंद्रलोक में जाकर अक्षय सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है या स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य भगवान की धूप दीप से पूजा करता है, उनको अनंत धन मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक विष्णु की पूजा करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य संध्या के समय देवताओं तथा ब्राह्मणों को दीप दान करते हैं, ब्राह्मणों को सोने के पात्र में रखकर वस्त्र दान देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान के चरणामृत लेते हैं, वैसे संसार में आवागमन के चक्कर से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे पापों में लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्मशास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मण को शास्त्र वस्त्रों का दान करते हैं, वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो भगवान मनुष्य भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं, अंत में उनके प्रतिमा दान करते हैं, वे पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं और स्वर्ग की समाप्ति में गोदान करते हैं, उनको पूरी आयु का स्वस्थ देह प्राप्त होती है तथा कीर्ति धन और बल पाते हैं। चतुर्मास्य में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और चतुर्मास समाप्त हो जाने पर तिल का दान करते हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान होती है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में अन्न से होम करते हैं और समाप्त हो जाने पर घी गड़ा और वस्त्रों का दान करते हैं, वह ऐश्वर्यशाली होते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मणों को दान करते हैं, विष्णु को लोक को जाते हैं। मनुष्य चतुर्मास व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति धूप चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की दुर्वादन करते हैं तथा दान देते हैं,
समय जो इस प्रकार की स्तुति करते हैं, हे ध्रुवे, जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, इसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। ऐसा करने वाले मनुष्य के सब पाप छूट जाते हैं, अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो शिव जी या विष्णु भगवान के देवालय में गान करते हैं, उन्हें रात्रि जागरण का फल मिलता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत करते हैं, उनको उत्तम ध्वनि वाला घंटा दान करना चाहिए। इस प्रकार स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, हे जगतपति, आप पापों को नाश करने वाले हैं। आप मेरे योग्य कार्य को ना करने योग्य कार्य करने से जो पाप उत्पन्न हो गए हैं प्रभु, उनको नष्ट कर दीजिए। चतुर्मास व्रत के अंदर जो नित्य प्रति ब्राह्मणों का चरणामृत पान करते हैं, वे समस्त पापों को दुखों को छूट जाते हैं और आयुवान लक्ष्मीवान होते हैं। चतुर्मास व्रत के समाप्त हो जाने के बाद ही गोदान करना चाहिए। यदि गोदान ना कर सके तो वस्त्र दान अवश्य करें। जो ब्राह्मणों के नित्य प्रति नमस्कार करते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है और समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मास व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसकी आयु तथा धन की वृद्धि होती है। मनुष्य अलंकार सहित बछड़े वाली कपिला गायें वेद पाठी ब्राह्मण को दान करते हैं। वह चक्रवर्ती आयुवर्ण पुत्र वर्ण राजा होते हैं और स्वर्ग लोक में प्रलय के अंत तक इंद्र के स्मरण राज्य करते हैं। जो मनुष्य सूर्य भगवान तथा गणेश जी के नित्य नमस्कार करते हैं, उनकी आयु तथा लक्ष्मी बढ़ती है और यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनमंचित फल पाते हैं। गणेश जी और सूर्य की प्रतिमा ब्राह्मण को देने से सब काम की सिद्धि होती है। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में महादेव जी की प्रसन्नता के लिए तिल और वस्त्रों के साथ तांबे का पात्र दान करते हैं, उनके यहाँ समस्त सुंदर शिव भक्त संतान प्राप्त होती है। चतुर्मास व्रत की समाप्ति कर चांदी पात्र या ताम्र पात्र में गुड़ और तिल के साथ दान करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान विष्णु का शयन करने उपरांत तथा शक्ति वस्त्र और तिल के साथ स्वर्ण दान करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में भोग तथा परलोक में मोक्ष प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत के समाप्त होने पर शैया दान करते हैं, उनके अक्ष सुख मिलता है और कुबेर के समान धनवान होते हैं। वर्षा ऋतु में जो गोपी चंदन देते हैं, उन दिन उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। व्रत के समाप्त हो जाने पर इस प्रकार धापन करना चाहिए। 4 छटाक व 8 छटाक तांबे के पात्र लेकर उसमें शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा ब्राह्मण को देना चाहिए। शक्कर सहित तांबे का पात्र सूर्य को प्रिय है, इससे मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। उसके दान के प्रभाव से बलवान कीर्तिवान संतान उत्पन्न होती है। हे कुंती पुत्र, इस चतुर्मास व्रत को करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों के प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत में ब्राह्मणों को शाक फल आदि देते हैं, अंत में इच्छा शक्ति दान दक्षिणा वस्त्र आदि देते हैं, वह सुखी राजयोगी बनते हैं। शाक फल देवता तथा मुनियों को प्रिय है और उसके देने से देवता प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत प्रति दिन सोंठ मिर्च पीपल और दक्षिणा के साथ दान करते हैं, व्रत के अंत में स्वर्ण तथा सोंठ मिर्च आदि का दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीते हैं और स्वर्ग को जाते हैं। जो तंबाकू खाना छोड़ देते हैं, उनसे देवता प्रसन्न होते हैं, अनंत धन देते हैं। इस व्रत में जो मनुष्य लक्ष्मी पार्वती की प्रसन्नता के लिए हल्दी रखकर दान देते हैं, वह स्त्री अपने पति के साथ और पति अपने स्त्री के साथ सुख भोगते हैं। इससे उन्हें सौभाग्य अक्षय धन और सुपात्र संतान मिलती है। उनकी देह लोक में पूजा होती है। इस व्रत में जो मनुष्य शिव जी और पार्वती जी की पूजा करते हैं तथा दक्षिणा वस्त्र स्वर्ण आदि दान करते हैं और व्रत के शुरू में शिवलिंग की स्थापना करते हैं, गो बैल दान करते हैं और ब्राह्मणों को मीठा भोजन कराते हैं, उन्हें संपत्ति और कीर्ति प्राप्त होती है। इस लोक में सुख भोग कर अंत में शिवलोक को जाते हैं। इसमें वामन भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों को दही से युक्त पात्र दान करना चाहिए, दही युक्त भात खिलाना चाहिए। यदि वह नित्य न हो सके तो अष्टमी वावस पूर्णमासी को प्रत्येक रविवार या शुक्रवार को दही भात का दान करना चाहिए। इस व्रत की संपत्ति से भूमि का दान करना चाहिए। यदि भूमि दान ना हो सके तो वस्तु और स्वर्ण से युक्त पादुका का दान करना चाहिए। ऐसा करने से इस लोक में धन धान्य पुत्र तथ विष्णु भक्ति मिलती है और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। मनुष्य दान तथा भूषण से युक्त बछड़ा सहित गौ का दान करें। इस लोक में ज्ञानी और किसी के सेवक नहीं बनते, अंत में ब्रह्मलोक में जाकर पितरों के साथ वास करते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य प्रजापति का व्रत करते हैं, उसकी समाप्ति में गौ दान करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं
समस्त पापों से छूटकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। इस व्रत में जो वस्त्र और बैलों के साथ 8 हल दान करते हैं, शाक मूल फल आहार करते हैं, पियो व्रत करते हैं, अंत में दूध वाली गाय का दान करते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य दोनों ऋतुओं में केला का पत्र और पलाश के पत्तों पर भोजन करते हैं, कांस्य का पात्र और वस्त्र दान करते हैं, वे इस लोक में सुख पाकर तथा जो तेल नहीं खाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण घाती करने वाला, सुरा पीने वाला, बालकों को मारने वाला, असत्य भाषण करने वाला, स्त्री को मारने वाला, किसी के व्रत को बिगाड़ने वाला, अग्नि गमन करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, विधवा गमन करने वाला और ब्राह्मणी तेरा चंडारणी से गमन करने वाला, इन सब के पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत में निर्वाण पद को प्राप्त होता है। चतुर्मास व्रत के अंत में जो मनुष्य ब्राह्मण को आभूषण युक्त चंदन सहित बैल का दान करता है तथा उसे षटरस युक्त भोजन कराता है, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के शयन करने पर नित्य प्रति रात्रि जागरण करे, ब्राह्मणों को भोजन करावे, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। व्रत में जो मनुष्य नित्य प्रति एक समय खाकर ही रहते हैं तथा अंत में भूखे को भोजन कराते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो भगवान के शयन करने के बाद भूमि पर सोते हैं, वे अंत में शैया दान करते हैं, वे शिव की पूजा करते हैं। चतुर्मास व्रत में जो मनुष्य मैथुन नहीं करता, वह बलशाली, यशस्वी और लक्ष्मीवान होता है, अंत में स्वर्ग लोक को जाता है। जो मनुष्य इस व्रत में उत्तम चावल या जौ का दान करता है, वह भी स्वर्ग को जाता है। जो तेल नहीं लगाता, अंत में कांस्य या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करता है, विष्णु लोक को जाता है। जो व्रत में शाक नहीं खाता और अंत में 10 प्रकार की शाक सब्जी वेद पाठी ब्राह्मण को दान करता है, शिवलोक की ख्याति प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस व्रत में गेहूं को त्याग भोजन करते हैं, स्वर्ण का दान करते हैं, वे अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अपने इंद्रियों का दमन करते हुए अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य सावन में शाक, भादों में दही, कवार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, उन्हें निरोगी काया प्राप्त होती है। जो स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं, हरिलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में मीठा, खट्टा, कड़वा पदार्थ त्याग देते हैं, वह समस्त दुर्गुणों से दूर कर स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में चंद्रायन व्रत करते हैं, वह स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में एकमात्र दूध पर ही निर्वाह करते हैं, उनका वंश प्रलय तक चलता है। जिस दिन भगवान शयन से उठते हैं, उस दिन ब्राह्मणों को दान, वस्त्र तथा भोजन देना चाहिए, यह समस्त दान वेद पाठ्य दानक ब्राह्मणों को देना चाहिए। चोरी करने वाला, मदपान करने वाला, अग्नि आगमन करने वाला, अधर्मी, शास्त्रों का निराधार करने वाला, मिथ्या बोलने वाला तथा अन्य त्याज्य करने वाला ब्राह्मणों को दान देने से उल्टा पाप लगता है तथा नरक की प्राप्ति होती है। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। तो ये आपने सुना चतुर्मास का महत्व कि हमें उसमें क्या व्रत करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरी कथा से हमें यही सीखने और सुनने को मिलता है कि हमें अधिक से अधिक इस चतुर्मास में ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, बछड़े वाली गाय का दान करना चाहिए, जो कि शायद अब थोड़ा सा असंभव हो जाता है क्योंकि आजकल लोग गाय पालते नहीं हैं। तो उसी के लिए उसका हल है कि हम चांदी की गौ अपनी सामर्थ्यानुसार बनाकर किसी भी ब्राह्मण को इस चतुर्मास में किसी भी समय दान कर सकते हैं। अथवा सब्जियों का दान किया जाता है तो हम सब्जियों का भी दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, दही और भात मतलब दही और चावल, इसका दान भी इस समय किया जाता है, तो आप वो भी अवश्य कीजिए। हमारा मकसद आपको केवल सही रास्ता दिखाने का, जो शास्त्रों में लिखा है वो बताने का है, ताकि आप छोटे छोटे उपाय करके अपनी जिंदगी में खुशहाली ला सके। जय श्री कृष्ण। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखा कीजिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा।